हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के द्वितीय सेमेस्टर के जियोग्राफी का यूनिट नंबर 1, और आज है हमारा इस पे डे नंबर 2। डे नंबर 1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि पहली जो वीडियो थी हमारी यूनिट नंबर 1 पर, आपको पता है इसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड नेचर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी, मानव भूगोल की अवधारणा, प्रकृति, अर्थ और दायरा। इस चीज पर हमारी पहली वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है, और आज की हमारी सेकेंड वीडियो होने वाली है, जिसमें हम जानने वाले हैं कि जीन ब्रूंस द्वारा किए गए मानव भूगोल के तत्वों की विवेचना कीजिए, कि जीन ब्रूंस ने भी अन्य जो मानव भूगोल शास्त्री थे जिन्होंने मानव भूगोल के बारे में अध्ययन किया, उन्हीं सारे लोगों की तरह ही जीन ब्रूंस ने भी विस्तृत अध्ययन किया कि आखिर मानव भूगोल होता क्या है। और उसके बाद जीन ब्रूंस महोदय ने अपने अध्ययन के बाद उनके अध्ययन के पूरी तरीके से निचोड़ के माध्यम से उन्होंने जो बताया कि कौन कौन से तत्व हैं जो मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं, और उसी को उन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक था, इन्होंने मतलब दो आधार पर इसका विभाजन किया था, एक था सभ्यता के आधार पर विभाजन, और सेकंड था आपका सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर विभाजन। इन दो आधारों पर विभाजन किया था मानव भूगोल के तत्वों का। अब इसमें भी अपने अपने टॉपिक्स हैं कि किन आधार पर क्या चीज किया गया। जैसे कि पहला टॉपिक अगर आप देखोगे कि सभ्यता के आधार पर इन्होंने जो बंटवारा किया, कि सभ्यता के आधार पर अगर हम बांटना चाहें तो मानव भूगोल के तत्वों को कितने भागों में बांट सकते हैं, तो पहला इन्होंने कहा कि मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, मतलब पहली चीज जो मानव भूगोल का है वो है मनुष्य के जीवन के लिए जो अनिवार्य तत्व है उनका भूगोल। अब अगर एक ह्यूमन बीइंग है तो उसके लिए क्या चीज सबसे ज्यादा अनिवार्य है, सबसे मोस्ट बेसिक नीड इंसान की क्या है, खाना और रहना। अगर हम खाना कहां खा रहे हैं, रहना कहां है, ये बहुत मतलब एक बहुत बेसिक नीड है एक इंसान की। तो एक इंसान की जो ये बेसिक नीड है ये पूरी कैसे होती थी, अगर प्राचीन समय से आप देखोगे सभ्यता के विकास की तरह देखोगे तो ये नीड पूरी होती थी या तो प्राकृतिक वनस्पतियों से या किसी जानवर को मार करके खाने से। तो ये खाने पीने की जो नीड्स है और उसके बाद रहने के जो नीड्स है, तो ये बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए किससे हुआ, तो ये मानव जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, कैसे कैसे कौन से लोग क्या चीजें खाते थे, क्या पीते थे, किस तरीके से उनका जीवन था, कहां पे रहते थे, कौन सा घर था, ये सारे कुछ चीजों के बारे में बात करना है। तो पहला जो मानव जीवन की चीज है, जो मानव भूगोल का अंग है, तत्व है, वह है मानव भूगोल की अनिवार्य आवश्यकता है। अगला है भूमि शोषण अथवा विदोहन संबंधी भूगोल। दूसरा आता है कि मनुष्य केवल अपनी बेसिक आवश्यकताएं, जैसे बेसिक आवश्यकताएं क्या है मनुष्य की, खाना, रहना और पहनना, ये बेसिक आवश्यकता है। इसके बाद जब ये चीजें पूरी हो जाती है फिर मनुष्य की इच्छाएं तो मरती हैं नहीं, मनुष्य की इच्छाएं बढ़ती रहती हैं कि यार अभी ये हुआ है, अभी इसके बाद ये चीजें होंगी, ये होगा, ये होगा, मतलब अलग अलग तरीके से वो चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो भी उसके बाद क्या होता है, भूमि का शोषण करने लगा, खेती करने लगा, खनन करने लगा, खनिज पदार्थों को निकालने लगा, बड़े मात्रा में बड़े पैमाने पर ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो एक तरीके से इनका विदोहन संबंधी भूगोल पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से मनुष्य ने अपनी आवश्यकताएं तो पूरी की, लेकिन उस आवश्यकता के बाद उस अधिक से अधिक अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए विदोहन करना स्टार्ट कर दिया, चाहे वो भूमि का रहा हो, पृथ्वी का रहा हो, खनन के माध्यम से, कृषि के माध्यम से, क्या क्या विदोहन करना स्टार्ट कर दिया। और तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है सभ्यता के विकास के आधार पर कि सामाजिक भूगोल, क्योंकि जब आप ह्यूमन जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे ना, मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे, तो मानव के बारे में आपको पता होगा सबसे बेसिक जो कॉन्सेप्ट प्राचीन समय से आज तक चला आ रहा है वो क्या है कि ह्यूमन अपने जैसे नए ह्यूमन को जन्म देते हैं, और ये जो कॉन्सेप्ट है इसको कंटिन्यू करना एक मतलब बहुत बेसिक सी साइकी है इंसान की कि यार हम हैं तो हमारे बच्चे होंगे, ये मतलब एक खानदान जो कंटिन्यू करने लगे, वंश वाला ये सिस्टम बहुत प्राचीन समय से आज तक भी ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको बनाना, और उसके बाद क्योंकि मनुष्य कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य समाज में रहना चाहता है, जो भी चीजें कर रहा है वो अपनों के लिए करना चाहता है कि यार हम लोगों को, अपने लोगों को एक अच्छी लाइफ स्टाइल दे सकें, उनके नीड्स पूरी कर सकें, उनकी जरूरतें पूरी हो सकें। तो समाज का एक भूगोल, एक दायरा है समाज के अंदर, उस समाज में वो अपनी पोजिशन बनाता है। तो इन सब चीजों को समझना इंपॉर्टेंट है कि ये पोजिशन बनाने के लिए वो किस तरीके से भूमि का शोषण करता है, विदोहन संबंधी कार्य करता है, ये सारी चीजें समझना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। इसके बाद आता है अगला आपका राजनीतिक और ऐतिहासिक भूगोल। राजनीति और इतिहास भी भूगोल से छूते नहीं रहे, क्योंकि दुनिया में जहां पर जिस तरह की जियोग्राफिकल कंडीशंस है उसी तरीके से वहां पे पॉलिटिकल कंडीशन है, उसी चीजों को मुद्दा बना करके पॉलिटिक्स लड़ी जाती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीति और इतिहास का भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कि किस किस तरीके से मानव ने शुरुआत किया था एक बेसिक नीड से, और धीरे धीरे वो इतना ज्यादा ग्रीडी होता चला जा रहा है कि आज बेसिक नीड को तो लोग भूल ही चुके हैं कि बेसिक नीड नाम की कोई चीज होती है, क्योंकि वहां पर सेटिस्फेक्शन रखा ही नहीं है। बेसिक नीड तो हर किसी की पूरी ही हो रही है मैक्सिमम,
उसके बाद लोग जा रहे हैं, भूमि शोषण हो गया, विदोहन हो गया और आर्थिक चीजों से होगा, खाद्यान्न बन रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग लग रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं वहां से, मतलब तमाम तरह की चीजें मानव ने करना स्टार्ट कर दिया। तो मानव ने पृथ्वी के साथ जो परिवर्तनशील व्यवहार है मानव का, उसे ही मानव भूगोल कहते हैं। तो जीन ब्रोन्स द्वारा ये दो प्रकार के जो तत्व थे उनमें विभाजन किया गया, पहला सभ्यता के आधार पर, तो इसी तरीके से हुआ। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो है सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर, मतलब सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर अगर हम मानव भूगोल को समझना चाहें कि सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर कौन कौन सी चीजें हैं जो मानव भूगोल के तत्व के रूप में हम रख सकते हैं, तो इसमें जो सबसे पहली चीज आती है वो आता है आपका भूमि का उत्पादक प्रयोग। भूमि को एक उत्पादक के रूप में प्रयोग कैसे करना है, तो इसमें दो चीजें आती हैं आपकी, एक आता है आपका मकान और दूसरी आती है सड़कें। अब जो मकान है इसके भी अपने अपने अलग अलग टाइप हैं, जैसे कि आप प्राचीन समय में देखोगे तो मकान के रूप में क्या था, लोग गुफाओं में रहते थे, फिर धीरे धीरे वो डेवलप हुआ, उसके बाद गुफाओं से धीरे धीरे लोग आगे बढ़े, मकानों में रहने लगे, जो बर्फ में रहते हैं वो एस्किमो है, वो अपना अलग उनका घर होता है। तो हर एक इंसान का जैसे आप देखोगे धीरे धीरे बढ़ता रहा, फिर मिट्टी के घर बने, झोपड़ी बनी, तो इस तरीके से चीजें चलती रही, कंटिन्यू होती रही। और आज देखोगे अलग अलग टाइप से आपको घर दिखेंगे, कहीं झोपड़ी दिखेगा, कहीं ईंट के मकान है, कहीं बहुत बड़े बड़े बंगले हैं, कहीं पूरी टावर है, आप देखोगे बुर्ज खलीफा है, इतने टाप महले का बना हुआ है, तो वो सारी चीजें चल रही है ना कंटिन्यू। तो ये सब चीजें जो है अलग अलग टाइम पर अलग अलग तरीके से बनती रही है अपने समय में, तो ये भूमि का प्रयोग धीरे धीरे होता रहा। और दूसरी चीज है सड़कें। सड़कें क्या करती हैं, कनेक्ट करती हैं एक जगह से दूसरे जगह को। और आप देखोगे दुनिया में चाहे आप कोई दूर पे एक छोटी सी झोपड़ी होगी ना, उस झोपड़ी को कनेक्ट करते हुए एक छोटी सी पगडंडी ही होगी, बट होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस जगह से निकल करके ट्रेवल करना पड़ेगा, और ट्रेवल करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें चाहिए, रास्ते चाहिए। और धीरे धीरे आप देखोगे आज रास्तों की इतनी इंपॉर्टेंस है कि जिस शहर में या जिस सिटी में सड़कें अच्छी है, 4 लेन सड़कें हैं, 6 लेन सड़कें हैं, और वो छोटे छोटे गांवों से कनेक्ट करती हैं उस चीज को ना, वो अपने आप में वो शहर, वो गांव, वो उससे जुड़े हुए जो भी शहर है वो सारे ही अपने आप में विकास करने लगते हैं, तो डेवलप होता है। तो सड़कें और मकान ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद आता है आपका अगला पॉइंट, वो है वनस्पति व पशु जगत पर मानव विजय संबंधी तथ्य। अब अगर हम ह्यूमन लाइफ को देखेंगे तो उसका जो दूसरा एस्पेक्ट है वनस्पति और पशु जगत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। वनस्पति और पशु जगत, वनस्पति से भी इंसान कनेक्टेड है क्योंकि खाने पीने के लिए चीजें चाहिए और भी जो अलग अलग चीजें चाहिए वनस्पति से आती है, और उसको मनुष्य ने डेवलप इस तरीके से किया वो खुद उगाने लग गया, मतलब पेड़ पौधों से वो पहले खाता था, उसके पास कोई उगाने का सिस्टम नहीं था, फिर धीरे धीरे उसने सीखा, लर्न किया कि कैसे इसको उगाते हैं, तो खेतियां उसने तैयार की, बहुत सारे पौधे वो उगाना स्टार्ट कर चुका है। और पशु जगत, पशुओं का कहां पर अपने लिए यूज करना, चाहे कुत्ता हो, भेड़ हो, बैल हो, गधा हो, जितने भी चीजें हैं उसको जहां पर जिस जानवर की जरूरत पड़ी, कहीं ऊंट की जरूरत पड़ी, कहीं हाथी की जरूरत पड़ी, मनुष्य ने उसका यूज किया है अपने लिए। तो मानव ने एक तरीके से कंट्रोल कर रखा है, चाहे वो प्राकृतिक कोई वनस्पति रही हो या पशु जगत रहा हो, जिसमें जहां पर मनुष्य को जरूरत पड़ी उसने कंट्रोल किया है, तो विजय प्राप्त किया इन चीजों पर। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ, पृथ्वी के साथ मनुष्य का क्या है, संबंध है और परिवर्तनशील है, जो बदलता चला जा रहा है। अगला है हानिकारक आर्थिक तत्व। हानिकारक आर्थिक तत्व भी किस चीज में आते हैं, मानव भूगोल में आते हैं, क्योंकि मनुष्य ने अपने लाभ के लिए, अपने फायदे के लिए, अपने प्रॉफिट के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें किया है जो हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे वातावरण के लिए और ह्यूमन लाइफ्स के लिए भी इवन वो डेंजेरियस है, बट लोग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम प्रॉफिट, ऐसा होता है। तो हानिकारक तत्व भी जो किए जा रहे हैं, जो पृथ्वी पर बहुत अमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं, आप देख रहे हो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती चली जा रही है, समुद्र का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, हवाएं दूषित होती चली जा रही है, बट चीजें की जा रही हैं बिकॉज ऑफ व्हाट, मनी या ऐसी चीजें जिससे कि हम अपनी लाइफ को और कंफर्टेबल बना सकें, वो करने के लिए पूरी दुनिया को रिस्क पे डाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें भी मानव भूगोल के तत्वों के अंतर्गत आती हैं। तो अगर हम बड़े एस्पेक्ट में देखें इन चीजों को, तो जीन ब्रोन्स ने बताया कि सभ्यता के विकास के आधार पर और सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर हम मानव भूगोल की विवेचना कर सकते हैं और मानव भूगोल को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।